Good morning. एक लिख रहा है साउंड नहीं आ रही, दूसरा कह रहा है साउंड आ रही है। बहुत बढ़िया। इसमें पानी चला रखा है मेरे ख्याल से, कूलर का पानी नहीं चलाना चाहिए इतनी ह्यूमिडिटी में। अगर अब बंद हो सकता है तो अब कर दो, नहीं तो आज क्लास के बाद करवा देना, ठीक है। अब पानी की ज़रूरत अगले अप्रैल में पड़ेगी, अगर पड़ी तो, वरना ह्यूमिडिटी इतनी रहेगी। अब यहाँ के मौसम ऐसा है ही नहीं कि कूलर ठंडक कर दे। चलो भाई, पढ़ाने का मूड बनाऊं? Yes, बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ सवाल। अड़तालीस लीटर का एक बर्तन और 48 लीटर का दूसरा बर्तन, क्या? दो बर्तन हैं, 48-48 लीटर के, 48-48 लीटर के दो बर्तन इकट्ठे करके 96 लीटर ले लिया। कितना ले लिया? 96 लीटर। सभी को समझ में आया? Yes, जो पहले वाला था ना 48 लीटर का बर्तन, उसके अंदर 7:5 के अनुपात में अनुपातिक योग 12, 12 से भाग करें 4, 4 से गुणा करें 7×28, 5×20, 28 लीटर दूध, 20 लीटर पानी। और दूसरा जो 48 लीटर का बर्तन था, उसके अंदर 7:9 अनुपातिक योग 16, 16 से भाग करें 3, 3×7=21, 3×9=27, तो 21 लीटर दूध और 27 लीटर पानी। तो दूध 28 और 21 49 और पानी, क्या तुम समझ गए? हाँ या ना? Yes, कोई डाउट है? वेरी गुड, डी करेक्ट आंसर है। सवाल किसको समझ में नहीं आया? दोबारा पढ़ो पूरा सवाल शुरू से तेज आवाज में। ये तुम देख रहे हो कि साउंड मिसमैच हो रही है? हैं? तुम किसके साथ बात कर रहे हो? दिल्ली वालों को है ना, तुम ज्यादा मत बोला करो, उनको ये कहा करो कि अब कमेंट्स देख लो। वो मैसेज वहां मिसमैच है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो सही बोल रहे हैं। देखो जिस टाइम पर बोल रहा हूँ उसी टाइम पर मेरे होठ भी हिल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आई लव यू मैं पहले कह रहा हूँ और होठ बाद में हिल रहे हैं, तो ये तो मामला फिट है। अब ये मामला उस टेक्निकल पार्ट पर है। जब कभी भी ऐसे इस प्रकार के इश्यूज आए ना, तो ऐसे आते ही तुरंत प्रभाव से उनको बोला करो कि एक बार कमेंट देखो, इनके रिप्लाई करो, ठीक? समझ गया? बहुत बढ़िया। गिरधारी वर्मा का बर्थडे आज। तो हैप्पी बर्थडे भाई गिरधारी लाल, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कोरोना और बेरोजगारी दो चीजों से बचाए, नहीं? चलो तुम मुझे एक छोटा सा सवाल बताओ कि कोरोना ज्यादा खतरनाक है कि बेरोजगारी? नहीं, कोरोना भी है, मैं कह रहा हूं है, ये मजाक की बात नहीं। कितने लोग मर गए? बच के रहना कोरोना से। कोरोना से बचना ये नहीं है कि भाई जो आप लोग घर पे बैठे रहो, लेकिन कोरोना से बचना है, सावधानी रखनी है, खेल मत मानना। कितने लोग मर गए? जब सेंटर बंद हुआ था ना, जब सेंटर बंद हुआ, सेंटर बंद होने के 20 दिन तक कंटिन्यूअस दिन और रात, कभी स्टूडेंट्स के, कभी जानकारों के, कभी किसी के। अब जो है आखिर में जब कुछ भी नहीं हो रहा, तो हर एक आदमी ये सोचता है कहीं से कुछ हो जाए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा सर, बेड नहीं मिल रहा सर, दवाई नहीं मिल रही सर, ये नहीं हो रहा सर, वो नहीं हो रहा सर, दिन रात ऐसा हो गया। और बहुत लोग डर के कारण ऐसे हो गया, डिप्रेशन का काम, जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है?
ये तो जो है मुझे तो लगता है ये 100% ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हाथ में चाबी ऐसे है कि ऐसे क्या तो तेज हो गया, ऐसे क्या तो कम हो गया, फिर ऐसे क्या तो तेज हो गया। जो सिस्टम्स हैं वो मामला गड़बड़ है। इतना पढ़ा लिखा पहले ही पता था कि शुरुआत में बूढ़ों को लेना, फिर जवानों को, फिर बच्चों को, हद है। इतनी भीड़ में जब हम लोग बैठे हैं तो इतनी भीड़ के अंदर हम लोगों को वैक्सीनेटेड होना चाहिए। गोहाना में भी जो है सेफ इंडिया वाले जो है वो मैंने बोला था वहां पर जो है तो सभी लोग वहां पर जाकर के लगवा सकते हैं। पता नहीं कौन से रोड पर था, एड्रेस तो मुझे याद नहीं है। यहाँ सोनीपत वाले भी वहां जाकर के सेक्टर 14 में लग रहा है, गुड़ मंडी में भी लग रहा है, सेफ इंडिया वालों का लग रहा है कैंप, तो सेफ इंडिया में मैं भी हूँ डायरेक्टर, तो वहां पर जाकर के आप लोग जो है वैक्सीनेशन ले लो। मेरी बात समझ रहे हो? वैक्सीनेशन का नुकसान नहीं है, मैंने अपने आप लगवा रखा, मैडम ने लगवा रखा, जो आशीष है, जो आशीष की दोनों वैक्सीन वो पूरी हो गई है, उसको वो मिली थी, क्या नाम था, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का टर्म छोटा है, मुझे कोविशील्ड लगी थी, बाकी लोगों को हमारे घर में तो कोविशील्ड में टाइम थोड़ा सा ज्यादा, तो सभी लोग हर जगह पर पूरे हरियाणा में ये लग रहा है, तो जहां पर भीड़ है वहां पर आप लोग लगवा लो। बाई चांस कोरोना हो भी गया तो दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन तक खांसी खुर्रा थोड़ा बहुत रहेगा, 2-3 दिन तक थोड़ा सा बुखार रहेगा, ठीक हो जाएगा। अब कोरोना हो जाए और इतना भयंकर और सीवियर फिर मरने की कंडीशन आए तो उससे ज्यादा बेटर है ना कि हम कोवैक्सीन लगवा ले या कोविशील्ड लगवा ले। मेरी बात समझ रहे हो? कोविशील्ड लग जाए तो ज्यादा बेटर है। उसके अंदर जो है जैसे पहली ही डोज जो है जैसे वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है, पहले बीमारी नहीं थी, उसके जो लक्षण दिख रहे थे वो लक्षण ये थे। शुरुआत में मैं मना करता था, इसलिए मना करता था कि जिसने ये लगवाया उसी को बुखार हो गया। कई केसेस में क्या था, जिसने लगवाई उसी को कोरोना हो गया इंजेक्शन लगवाने के कारण। लेकिन बाद में जो है इससे पता चला कि ये लगने के बाद अगर कोरोना होता तो वो बहुत ज्यादा गंभीर घातक नहीं होता, बच जाते हैं उसमें। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? और शुरुआत में ही हम लोग अपने आप को क्यों ऑफर करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, भाई मारा ला के देख ले, जो कुछ होना लोगों को बता देना। अब लोगों ने लगवा लिया, हमें पता चल रहा है भाई उसका फायदा उसका नुकसान है, हाँ या ना? क्या तुम मेरी बात समझ गए? जब तक मैंने नहीं लगवाया था, जब तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ऐसी थी कि ये नहीं लगवानी चाहिए, तो मैंने तुम्हें मना किया। जब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई, डॉक्टर्स ने मुझे कई लोग जो बैठ करके डिस्कस किया और उन्होंने बताया सर रिजल्ट ये है, तो मैंने लगवाया, तो उसी टाइम पर मैंने स्टेटस भी लगाया था भाई मैंने ये लगवा लिया और तुम भी लगवा लेना। आज मैं लगवा के बैठा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ तुम भी लगवा लो। मैंने जब तक लगवाया नहीं था तब तक तुम्हें मना किया था कि मत लगवाओ। मैं तो ये तो कह नहीं रहा ना कि तुम लोग लगवा लो, तुम सही रहोगे तो मैं भी लगवा लूंगा। मैंने लगवा के तब तुम्हें कहा कि तुम लगवा लो। चलो भाई बहुत बढ़िया, क्या ये सवाल समझ में आया? ये दो टाइप के सवाल हैं, एक तो ये बराबर बराबर मिलाया जाए और दूसरा होता बराबर नहीं, 2:3 लिख दे, 3:4 लिख दे, 1:2 लिख दे। एक्चुअली अगर जोड़ करके वहीं पर अनुपात में तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पहले बराबर करेंगे। बराबर करना सबको आ गया? भाई हम 7 लीटर और 5 लीटर 12 लीटर मान लें, 7 और 9 16 लीटर मान लें, लेकिन ये तो बराबर नहीं है और मिलाना है बराबर, तो बराबर मिलाना तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम 48, 48 बनाने के लिए 4 से गुना, 48 बनाने के लिए 3 से गुना। समझ में आया? प्रैक्टिकली सोचो, एक ड्राम है उसके अंदर दूध और पानी की सिकंजी सी बना करके जो पिला रहे हैं, और दूसरे ड्राम में ये पिला रहे हैं, दोनों को इकट्ठा कर दे तो एक में चीनी ज्यादा है एक में पानी ज्यादा है, हाँ या ना? क्या तुम समझ रहे हो? तो ये सवाल है, अब क्लियर हो गया? Yes, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। साउंड मिसमैच कंटिन्यूअस है, तुमने वहाँ टेक्निकल टीम में बता दिया, बस तू इतना काम कर दिया अगर, और तो मैं आप देख लूंगा फिर। बहुत बढ़िया, पढ़ो भैया। पहले नंबर पर ऐसे अनुपात लिखना, पहला स्टेप किसको नहीं आया? अब इनको जोड़ना, बारह और फिर इनका एलसीएम सोचना, इसका 36 कैसे बनेगा? हो गया 36। अब ऊपर वाले रेशो को 3 से गुणा करके 15 और 21 16 20 और जोड़ देंगे 41 31। बोलो नहीं आया? पक्का गया? सी करेक्ट आंसर है, कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में, यह इंग्लिश तो तुम्हें आती ही है। सभी को आ गया? yes, क्या लिखूं? आगे बोलो, आगे बोलो, सबको आ गया? yes, जोड़ो एलसीएम 30 कैसे बनेगा? अब इसको कितने से गुणा? बोलो क्या लिखूं? सबको आ गया?
22 और 18 40 और 21 61 8 और 12 20 और 9 29 एक करेक्ट आंसर है। अब इनके अंदर ट्राई ऑप्शन नहीं कर सकते हम, कैसे करेंगे? क्या तुम समझ गए? Yes, sir. सबको आ गया? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. किसको नहीं आया बोलो? Oh, yes, sir. पक्का गया ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया। ऐसे हर रोज रेगुलरिटी से आते हो तो रेगुलरिटी से तुम्हें सवाल आ जाते हैं, बीच में का दिन गैप मारते हो तो बीच का वो गैप। अब पेपर में एक या दो क्वेश्चन तो ऐसा फंसेगा ही ना यार, उस दिन छुट्टी नहीं करता तो मेरा काम पूरा हो जाता, हाँ या ना? Yes, sir. तो बीच में गैप नहीं लेना। कल एक ने लिखा मेरी कोई सुनी नहीं रहा, गैप ये वो फलाना ढिमकाना प्रॉब्लम है, तो मैंने उससे पूछा कल की क्लास में किसने प्रॉब्लम्स ली, तो बोला मैं कल की क्लास ले नहीं पाया था। अब क्या करें भाई, अब कोवैक्सीन लग नहीं रही है, सेफ इंडिया फाउंडेशन के कैंप में कि लगवा के से सवाल आ जाए, ये तो सीखने ही पड़ेंगे, क्लास लेनी ही पड़ेगी। क्या लिखूं बोलो जल्दी? चार अनुपात, सब समझ गए? पक्की बात? जोड़ बोलो। अब इनका तो हो गया 60 और ये कहीं है ही नहीं लाइन में, तो ये जो है 420 कितना गुणा 60। अब 420 करना है तो यहाँ पर 4 तो इसके नाम का आएगा और 7 ये 28 से गुणा, और यहाँ पर 420 करना है तो 3 यहाँ से 21। क्या तुम समझ पाए? अब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई असल में, गलती से 4:1 था, ये 5 होता, ये 15 होता, ये 20 होता, एलसीएम 60 होता, 60 करना तो आसान था, वो गलती से ये हो गया। तो इतनी कैलकुलेशन आनी भी चाहिए सभी लोगों को, क्या तुम मेरी बात समझ गए? Yes, कोई डाउट है क्या? बहुत खुशी की बात है। इसको 60 से गुणा करने के बाद जब जब इसको जोड़ करें ना तो थोड़ा सा गैप लेना, इसे साथ मत लिखना साथ में, फिर दिक्कत आएगी, इसको थोड़ा दूर लिखना और फिर एलसीएम 420। अब 420 लीटर के बर्तन हैं सारे के सारे, अब ये 3 से गुणा करेंगे 60 को, तो ये हो गया 180 और ये 240। सबको आ गया? Yes, अब यहाँ 28 से गुणा करेंगे तो 7, 8, 56 196, 8, 8, 64, 8, 2, 16 और 6, 22। सभी समझ रहे हैं क्या? Yes, अब 21 से गुणा करेंगे तो 1, 3, 2 और 21 नीमा 189। सभी को आ गया? Yes, अब ये बराबर अनुपात में हो गए, इनको जोड़ देंगे। अब इनको जोड़ के देखता हूँ, 9 और 4, 13 का 3, उधर 3, 1 में ही है तो एक करेक्ट आंसर है। जितना टाइम हम जैसे बचा सकते हैं उतना बच सकता है, नहीं तो फिर पूरा ही जोड़ना पड़ेगा। 4 और 8, 12 और 2, 14 और 1, 15 और फिर ये 6 आ रहा है, क्या समझ में? Yes, तो ये हो गया 7, 9 और 3, 12 और 8, 20, 2 रह गया तो ये 6। कोई डाउट? No, पक्का? Yes, हम जो पूरा करेंगे, हमारा काम तो उत्तर निकालना था, 3 आते ही काम बन रहा था, उससे आगे का जोड़ जरूरी नहीं था, तो जितने काम के बिना हम काम चला लें उतनी ही बात पे बन जाएगी बात। क्या तुम समझ पाए? वेरी गुड। अब ऐसा कोई सवाल आ गया तो ऐसा सवाल, इतना कैलकुलेशन, इतनी गुणा करनी आनी चाहिए, वो तुम प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, हाँ या ना? कोई डाउट है? आगे बढ़ूं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको आता है सवाल? Yes, sir. क्या लिखना चाहिए? नो no. अब गुणा ही करना पड़ेगा। Yes, sir. इसके गुणा 55, इसके गुणा 99 और इसके गुणा 45। सबको आ गया? Yes, sir. इनसे गुणा करेंगे जोड़ देंगे। Yes, sir. इतना तो तुम्हें आता ही है। Yes, sir. या नहीं आता है? आता है, कर लोगे? Yes, बड़ी ही खुशी की बात है, ये तो कर दोगे? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। एक गया क्या बीच में? बराबर आयतन वाले? Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. बहुत बढ़िया। किस अनुपात में है? फिर जोड़ गुणा गुणा, अब 2 से गुणा करके लिखो, बोलो बोलो, आ गया? अब ये बराबर नहीं जोड़ने, किस रेशो में? तो इसको गुणा 1 और इसको गुणा, इसको गुणा ऊपर वाले का गुणा। अगर ये 2:3 होता तो क्या करते? किसको नहीं आया? ये दो टाइप के सवाल हो गए, एक तो बराबर मिले और फिर रेशियो में मिले। क्लियर है? yes, सबको? वेरी yes, गुड। तो 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया? ये तो 10 ही रहेगा, ये 14 रहेगा, ये 18 रहेगा और ये 30 रहेगा, तो ये कितना रहेगा? 32। कितना? और ये कितना? 40। कट जाएगा 4:5। कोई डाउट है? अब इस सवाल में शॉर्टकट नहीं लगता,
क्या लग जाएगा? और इससे आसान तरीका है नहीं, एलिगेशन से भी कुछ लोग भिड़ाते हैं, एलिगेशन से भिड़ा करके मैं तुम लोगों को, अगर एक दो सेकंड बच भी जाएगा तो बहुत बड़ी कहानी नहीं, सवाल में बहुत देर नहीं लगनी, 7, 5, 3, 5 तो 10, क्या नाम है, 12 और 8 × 2 × 3 तो ऐसे कर लेंगे, फिर 1 × 2 × 2 कर लेंगे, तो इससे बढ़िया और इससे आसान सवाल है नहीं। क्या तुम समझ गए? ऊपर वाले बर्तन के अंदर टोटल कितना डाला गया है? 24 और इसमें 48 डाला गया, बोल दो नहीं आया? पक्का गया? ऐसे कितने हैं जिनको नहीं आया? एक आधा नीचे नीचे, दूसरे तक बोला मैंने तो आया नहीं, फिर बोला कह दे, बोले हाँ कह दे। बारह 16 × 4 × 3 अब 1 × 2 है तो 1 × 1 × तो ऊपर वाले को 4 से गुणा, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 20, 28, 6 से गुणा करेंगे तो 54, 42, जोड़ देंगे 10, 60, 70, तो ये 74, 2 से कट सकता है, 35 अनुपात 37, सी करेक्ट आंसर। ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? दो कहाँ यूज हुआ सर? दो यहाँ यूज हुआ मैडम। आगे बढ़े, पहले में बोलना, अपने आप इसी अनुपात में है, किस रेशो में है? डायरेक्ट ही जोड़ दो, 8 और 7 15, 3 से कटेगा, 5 अनुपात, ये किसको नहीं आया? पक्का गया? इनको बराबर करने के लिए, इनको हम बराबर कर सकते थे, बराबर करने के लिए कितना, 24 बनाना पड़ेगा, यहाँ गुणा 6, यहाँ गुणा 3, यहाँ गुणा, और फिर इनको 1 अनुपात 2 अनुपात 3, फिर वही आता। क्या तुम समझ गए या नहीं समझ गए? करके देख लोगे? बहुत बढ़िया। परवेश कुमार सर डिटेल में बताओ, क्लास में किसको नहीं आया? और ऐप के कमेंट्स पढ़ो, नहीं आया, साउंड बहुत कम है, सर डिटेल में बताओ, सर सर ज्वाइंट रेशियो से नहीं कर सकते क्या? दिस इज रियल डिफरेंस बिटवीन ऐप एंड क्लास। तुम लोगों को रिजल्ट मिलने के बाद पता चलेगा, हमने ऐप बनाने से पहले पता था इस बात का कि ऐप पर बात बनेगी नहीं, जब कोई चारा ही नहीं था, लॉकडाउन था, सेंटर लग ही नहीं रहा था, तो मजबूरी है ऐप के ऊपर, अब खाली बैठने से ज्यादा बेटर है, हाँ या ना? लेकिन ऐप पर पढ़ने में और यहाँ पढ़ने में बहुत फर्क है। अब यहाँ सवाल क्या चल रहा है, पूंजा सराव कह रही है सर पंजाब पुलिस के लिए पंजाबी जीके की क्लास शुरू करवा दो, अब फिर साउंड मिसमैच है, ट्राई ऑप्शन बताओ ना सर, प्लीज दोबारा समझाएं, पंजाब पुलिस के लिए पंजाबी जीके क्लास शुरू करवाओ सर, सर इसे पहले वाला एक बार और बताओ, आ गया सर, आ गया सर, दो तो आई निकल के, ये हो सकता क्लास में बैठे हो, आ गया सर, आ गया सर। बहुत बढ़िया, पढ़े क्या लिखूं? देख भाई बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल डिटेल में है, देखना आप डिटेल में, ये देखो क्या लिख रखा है, देखो कितने आसान चीज है, बोलो बोलो, अगर हम इनको लीटर में मान लें, 5 लीटर 1 लीटर 3 लीटर 7 लीटर, तो टोटल कितना हो गया? टोटल किस अनुपात में चाहिए? 4 अनुपात 3 अनुपात, क्या ये अनुपात है? तो इस रेशियो में बनाने के लिए पहले ये बराबर करना पड़ेगा, पहले ये 6, 10, 15, 30 पे सेटलमेंट कर लेते हैं, हाँ या ना? वेरी गुड, 30 बनाने के लिए गुणा गुणा गुणा, अब 5 से गुणा करके लिखूंगा मैं, 25, 5, 9, 21, 2 से गुणा, 14, 16, अब ये 1 अनुपात 1 अनुपात 1 है, ये कितने गुणा चाहिए? और ये आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे, तो इसको कितने गुणा करूं? इसको और इसको 4 से गुणा करेंगे तो, और ये 100, 3 से गुणा करेंगे तो 63, 27, 32, 28, ये 55, 100, 155, ये 5,
और ये 5 और 6 11 155 अनुपात 125 है, 115 भाई, 5 कॉमन इससे कटेगा तो ये आ गया 31 अनुपात, 5 से काटेंगे तो 23, 31 अनुपात आ रहा है समझ में? 155 देखते ही मेरा भी मूड था कि मैं इसको बोल दूं, लेकिन मैं ठिठक 125 155 5 कॉमन के साथ रेशियो कैसे आएगा? जब मैंने लास्ट लाइन बोली समझ में आई तुम्हें? वेरी गुड। अगर यहां 155 की जगह अभाज्य संख्या होता या कुछ और होता, मैं जोड़ता तब भी, इतनी मेहनत करने के बाद इतने छोटे पर क्यों छोड़े? मेरी बात समझ गए? yes, हाँ या ना? yes, आ गया समझ में? वेरी yes, गुड। अगर मैं इसमें ऑप्शन डालता तो मैं जरूर डालता 155 143, जो ऐसा लगे कि कट नहीं रहा, फिर उसी में फंसते लोग। हाँ या ना? yes, ये लाइन भी तो बोलनी जी, जोड़ करना देखा ना सर कर दिया, ये भी तो करना है ना। हाँ या ना? yes, अब जो ये लाइन नहीं चलेगी तो फिर कैसे बात बनेगी? क्यों? गधों में और घोड़ों में कुछ तो फर्क रहेगा। हाँ या ना? yes, तो मैं जो ये लाइन बोलता हूँ ना कि जो मेरी बात सुनके करते रहेंगे उनमें ये डिफरेंस रहेगा। एक आ गया, दूसरा चेक किए बिना कैसे मान लोगे तुम काम बन गया? हाँ या ना? yes, 155 की जगह से 73 आ रहा होता, भाई ये भाग होने की चीज नहीं है, इधर कुछ भी आए तो 73, 73 का कुछ है नहीं तो फिर सही है, लेकिन 155 तो कॉमन आके कट सकता है ना। हाँ या ना? yes, क्या तुम मेरी बात समझ गए? yes, भाई 155 5 से काटो 31 आ सकता, तो ये उत्तर क्यों नहीं हो सकता? 5 करके 31 27 क्यों नहीं हो सकता? हाँ या ना? yes, जो मैंने कहा समझ में आ गया? yes, इससे पहले वाले पर 3 में मैंने काम चला दिया, 3 याद है दोबारा चलो सवाल पर? yes, याद है? yes, बोले एक आधी बस एकाई के अंक पुत्र आ गया और एक आधी पूरा जोड़े पद से भी ना आया। हाँ या ना? yes, तो यही बात तो पता चलती है प्रैक्टिस से। जब तुम ऐप पर ये गलतियां करते हो ना, जितनी गलतियां तुम्हें पेपर में करनी है ना, वो गलतियां ऐप पर टेस्ट दे दे करके कर लो। हाँ या ना? yes, चले आगे। yes, बहुत बढ़िया। एक मिश्र धातु ये है, दूसरी ये है, ये बनाना है 1:2, ये है जस्ता और तांबा। एक अनुपात दो, तो ये जिंक और ये कॉपर, ये जिंक ये कॉपर 2:3, थोड़ा सा इसमें से लिया और थोड़ा सा इसमें से लिया, जिंक और कॉपर का रेशो 5:8, मेरी बात समझ पा रहे हो? yes, पक्का? yes, वेरी गुड। तो यहां पर 1 किलो जिंक और 2 किलो कॉपर मान लूं तो मिश्रण में से जिंक 1/3 है। आया। yes, और यहाँ 2/5 और यहाँ 5/5, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें 5 तो होना, सवाल नहीं आया समझ में? yes, दोबारा पढ़ के देखो सवाल। क्यों नहीं पढ़ रहे तुम लास्ट लाइन? हैं? बुक में पढ़ रहा है, बड़ा अच्छा। ये सवाल समझ में आया? yes, अभी थोड़ी देर पहले हमने सवाल पढ़े थे ऐसे ही, पढ़ो। दोनों बातें समझ में आ गई? yes, इसमें किस रेशियो में मिलाना, ये रेशियो दे रखा है, उसमें किस रेशियो में मिलाने के बाद वो रेशियो मिलेगा, जैसे इसमें ये रेशियो मिल गया, तो वहां सवाल ये था कि 7:5 में है, 3:5 में है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि रेशियो ये आए, तो इसका उत्तर आएगा 1:1:2। क्या उत्तर आएगा इसका? 1:2। दोनों बातों में क्या, सवालों में, तो इन सवालों में क्या डिफरेंस है पता चल गया? एक बार और पढ़ लो सवाल। ओ भाई वॉइस मिसमैच है तो भी तुम सवाल पढ़ सकते हो, तुम्हारा काम चल जाएगा, यहाँ लिखते रहने से क्या फायदा होने वाला है? वॉइस मिसमैच, साउंड मिसमैच, वॉइस मिसमैच, साउंड मिसमैच, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा तो क्या फर्क पड़ रहा है बताओ?
और सवाल समझना, सवाल की बात इस पे चली रही है। अब ये जो फिल्म थोड़ी ही है कि हीरोइन का आई लव यू बोलते हुए फेस का एक्सप्रेशन भी वैसा ही होना चाहिए और साउंड भी तभी आनी चाहिए, तब मामला सही बैठेगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? Yes, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों सवालों में? पढ़ना एक बार सवाल। आ गया सबको? Yes, तो जस्ता कितना हिस्सा हो गया? Yes, और यहाँ जस्ता? Yes, सबको आ गया? वेरी गुड। जहाज उड़ाना तो सबको आता है? Yes, बहुत अच्छी बात है, फिर तो ऐसे उड़ा देंगे जहाज। पहले चेक करेंगे बड़ा कौन सा है, 13 एकम 5 दिए, अब यहाँ चेक करेंगे 15 बड़ा है, वो छोटा है, 13 दुनी 5 पंजे, तो ये बड़ा है, इससे ये छोटा और ये बड़ा है, तो मतलब सही जहाज उड़ रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। हर बराबर नहीं है, पहाड़े में भी नहीं है, नीचे ही गुणा नीचे करेंगे, तो 13 एकम 13, 5 दिए 15, 15 में से 13 गया 2, 13 पंजे 65, 13 दुनी 26, 5 पंजे 25, तो 1/65। आ रहा समझ में? अनुपात में भिन्न अच्छी नहीं लगती, तो इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, तो यह आएगा कितना? 39:130, 65 दुनी 130, 13 से भागोगा 3:10। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? Yes, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जस्ते का लेना है कि कॉपर का लेना है? अगर हम यहाँ कॉपर का लेते तो आंसर आता 2/3। yes, क्या होता? 2/3। और यहाँ क्या होता? सब गुआ रहा ना? Yes, और यहाँ 8/13। जहाज उड़ाते? Yes, पक्की बात? Yes, बहुत बढ़िया। 13 दिए 8 पंजे, ये छोटा, 13 दुनी 8 दिए, ये छोटा, ये बड़ा, सबको आ गया? Yes, 13 दिए 13 दुनी 26, 8 दिए 24, 2 का डिफरेंस, 13 दिए 13 पंजे, 13 दिए 8 पंजे, 1 का। चाहे कोई से कभी ले लेना, उत्तर वही आएगा। आ गया ना? Yes, किसको नहीं आया? Yes, पक्का आ गया? Yes, बहुत बढ़िया। पढ़ दो एक बार। सबको आ गया? Yes, कोई डाउट है? पक्की बात है? Yes, बहुत बढ़िया। पहले ऐसे सवालों पर हम सीधा नोट पॉसिबल अगर लिख रखा हो तो ऐसा बोलते थे, भाई ये कर देना। अब चेक करना पड़ेगा। पहले हमारे पास पढ़ाई हुए बच्चे पेपर बनाने वाले डिपार्टमेंट में नहीं थे, अब पहुंच गए। फिर बता देते हैं इस सवाल को, ये सवाल आया तो बोला इसमें तो सीधा न्यू कह देंगे बालक। मेरी बात समझ रहे हो तुम या नहीं समझ रहे? समझ रहे, बहुत अच्छी बात। ये क्या अनुपात दिया? क्या सबको आ गया? Yes, कोई डाउट है? No, पक्की बात है? Yes, आगे बढ़े। Yes, बोलो ना क्या लिखूं? Yes, सबको आ गया? वेरी yes, गुड। बताओ कौन सा बड़ा है? Yes, कौन सा बड़ा है? 6/6। तो अब ये बड़ा होना चाहिए। yes, चेक करके बताओ कौन सा? 6/6। बीच में बीच का होना चाहिए, बीच में इन दोनों से छोटा या दोनों से बड़ा होगा तो नॉट पॉसिबल आंसर होता है। सो इसका आंसर है नॉट पॉसिबल। क्या आंसर इसका? नॉट पॉसिबल। क्या तुम समझ गए? yes, कोई डाउट है? no, sir. आगे बढ़े। वेरी yes, गुड। अब नॉट पॉसिबल लगाना मत बिना चेक किए। ये पुराना सवाल बना हुआ है, पुराने क्वेश्चंस हैं। अच्छा बोल दूंगा। आगे बढ़े। yes, बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ।
एक अनुपात, कुल कितने पार्ट हैं? चार में से ये ओरिजिनल है। कितने नए सात बदल दिया गया, ये बदला गया है, तीन बदले गए, कितने में से? तो तीन बटा चार हिस्सा बदला गया। कितना हिस्सा बदला गया? सवाल समझ में आया नहीं आया? आया पक्का? नहीं आया हो तो बता दो। वेरी गुड, आ गया तो बहुत अच्छी बात। पढ़ दो तेज आवाज में। सोएगा तो कैसे बनेगी बात? हैं? हैं? लटका गया था जब कहने को सो नहीं रहा था, सो नहीं रहा था, बोला लटका आ गया थोड़ा सा। सीधा बैठना बेटा, सीधा बैठेगा तब बात बनेगी। चाह महंगी पड़ जाएगी भाई ने कहा चाह मंगा दो जी। चलो पढ़ाऊं आगे? Yes, बहुत बढ़िया। एक तरफ क्या लिखे और दूसरी तरफ? ये ओरिजिनल है, ये बदला हुआ है, दो बटा तीन हिस्सा बदला जाएगा। आ गया समझ में? Yes, पक्का आ गया? Yes, बहुत बढ़िया। ओरिजिनली 40% था, उसमें से कुछ निकाल के और दूसरा डाल दिया, रिजल्ट इतना आ गया। अगर सारा ओरिजिनल रखते तो 40 ही रहता, सारा बदल देते तो 19 आता, लेकिन आ गया 26, मतलब कुछ हिस्सा बदला गया, कुछ नहीं बदला गया। क्या तुम समझ गए? Yes, कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ दो। पिछली बार गर्मियों में जब YouTube क्लास यहाँ से देते थे तो हैंग होता था, कभी वो गर्म हो रहा हो? आवाज तो कहीं होके निकल जाना, मैं जो फंस के जाऊँ पिक्चर में, इसलिए मामला है। कुछ है होता गड़बड़ तो थारी है। सर नॉट पॉसिबल वाला समझ में नहीं आया। यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30 लिखेंगे तो ये नॉट पॉसिबल है। बीच में बीच का आना चाहिए, बीच में बीच। तो यहाँ पर कुछ लिखा, यहाँ पर कुछ लिखा, बीच में बीच का नहीं था, बीच में बड़ा था, बड़ा था इसलिए नॉट पॉसिबल है। ज्योति रंगा, सर हमारी क्लास तो बिल्कुल फिट चल रही है, आज शाम कोई प्रसाद बांट देना। और अब ऐसे दो तीन बार नुकले टच 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 ऐसे कर ले, नजर लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। पढ़ो भाई सवाल, पढ़ो जल्दी से। दूध कितना, पानी, टोटल मिश्रण, आधा दूध चाहिए आधा पानी चाहिए, तो दूध कितना चाहिए और पानी? सबको आ गया? वेरी गुड। पानी कितना ही रहे, कितना ही ना रहे, कितना डाले निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता, मामला दूध का। कितना दूध था पहले और अब कितने लीटर निकला, कितने में से? तो दो बटा सात हिस्सा, दूध बदलेंगे ना तो पानी तो अपने आप बदल लेगा। पानी निकाल लिया उल्टा डाल दिया, क्या फर्क पड़ा? हाया ना, पहले कितने लीटर दूध था और चाहिए कितना, क्या करना चाहिए? दो लीटर दूध निकाल के और दो लीटर पानी डालना है। दो लीटर दूध निकालेंगे उसके साथ पानी कितना ही निकले और कितना ही पानी वापस डले, हमें क्या फर्क पड़ता है उस बात से? हाया ना? Yes, किसको सवाल नहीं आया? पक्का? वेरी गुड। Yes, मिश्रण निकाला उतना ही पानी डाला, तो उस मिश्रण में जितना पानी निकल गया और वापस पानी डल गया तो हमें हमारी सेहत पर क्या असर पड़ा? वो सिर्फ बदलना दूध था। कोई डाउट? वेरी गुड, बहुत आसान सवाल है, 2x7 पढ़ के दिखा दो। चलो दो इंग्लिश इकट्ठी कर दी, कोई बात नहीं, इतना अंग्रेजी भी आनी चाहिए तुमने। डेढ़ घटेगा 9 में से, 1/6 आंसर। सबको आ गया क्या? बोल दो नहीं आया? एक बार और पढ़ के दिखा दो पूरा।
एक या दो दिन में वो भिवानी में भी लगाने वाले थे, भिवानी में जो भी जो है, जैसे अभी हम जो है कोशिश करें कि सभी ब्रांचेस पर जो है ये जो है लग जाए वैक्सीन, या फिर आसपास की इन्फॉर्मेशन लेकर के, और अगर नहीं है लगी है तो ब्रांच वाले से बात कर लेना, वो बात कर लेंगे। आसपास सोशल जो है इंस्टीट्यूशंस लगा रहे हैं, सेंटर में लगता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर वो आसपास की जगह बात करके और तुम्हें बता देंगे, वहां पर सभी लोग जो है कोविशील्ड लगवा लेना। आज लगवा लोगे तो बढ़िया है, कल और परसों दो दिन तुम्हारे पास रिवाइज करने के लिए हैं, इन चैप्टर्स को रिवाइज करना। ये जो पहला चार चैप्टर का सेक्शन मैंने करवाया है, इसके अंदर तो हम लेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम्स, इससे आगे फिर अगर डेट आती है तो फिर हम प्रॉब्लम्स नहीं लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पीड और ज्यादा खींच देंगे। क्या तुम मेरी बात समझ गए? Yes, sir. तब तक तुम लोग जो है जैसे इन पूरे चार चैप्टर्स को अब अपना ऐसा कर लेना कि अगर कहीं से भी इनमें से पेपर में आते हैं क्वेश्चन तो हम नहीं छोड़ेंगे। कोई डाउट है? तब तक जो पहले वाली किताब थी ऐप के ऊपर, पहले वाली किताब कंप्लीट करवा रखी, 10 के 10 चैप्टर, एक बार उसको दोहरा लेना अगर तुम्हारे पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है तो। पुराने को रिवाइज जरूर करना, पुराने को रिवाइज नहीं करोगे आगे भाग पीछे छोड़, मामला गड़बड़। उनके टेस्ट भी देने हैं और उसके ऊपर जो है ये भी करना है। क्या तुम मेरी बात समझ गए? Yes, sir. तब तक इन बिटवीन इसके जो है टेस्ट भी डल जाएंगे, तो टेस्ट भी इनके करना। कोई डाउट है? अब सिलेक्शन के लिए तीनों काम करते रहना, क्लास ली, क्लास से घर जा करके इसको जब तुम पढ़ोगे बुक में से प्रैक्टिस करना, पूरा चैप्टर एक या दो बार करना और फिर उसका टेस्ट देना। टेस्ट देने के बाद तुम्हें पता चलेगा कितना आया कितना नहीं आया, और नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख ली। आया ना? Yes, sir. अब कोई कसर इसके अंदर? No, sir. ये ऐप कंपलसरी है तुम्हारे लिए। अभी जैसे मैंने कहा था सोमवार मंगलवार को मैं कोविशील्ड को इसको जो मैं कंपलसरी चेक करवाऊंगा, तो मैं उसको भी फिर कंपलसरी चेक करवाऊंगा कि टेस्ट दिया, इस चैप्टर में से तुम्हारे कितने नंबर आए। पढ़ते तुम नहीं, टाइम तुम नहीं लगाते, रिजल्ट हमारा खराब होगा। हम ऐसा क्यों करें भाई? जिसके पास ऐप है, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत पैसे लगा करके और ये टेक्नोलॉजी बनाई है। अब जिसके पास ऐप है और जो पेपर दे रहा है, और पेपर देने के दौरान जो गलतियां हो रही है वो गलतियां तुम्हारी दूर, तो जब तुम पेपर देने जाओगे तो कहां चूक रहेगी? पेपर में जाने से पहले तुमने 100 या 200 टेस्ट दे लिए तो कहां दिक्कत रह गई? हाँ या ना? Yes, जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? Yes, तो ये 2-4 दिन बाद ये कंपलसरी होगा, फिर ये मत कहना कि इसके ऊपर, और मैं 100% गारंटेड कंपलसरी करूंगा। जैसे किताब हम जब जिस टाइम पर पढ़ाते हैं किताब नहीं तो भगाते हैं, वैसे ही ऐप नहीं तो भगाएंगे क्लास में से। जो पढ़ने वाले और सिंसियर लोग हैं हम उनको बिठा करके सिर्फ उनका सिलेक्शन दिलवा दे, बाकी हमें क्या चाहिए? हाँ या ना? Yes, अब रिजल्ट जो है आईसीएस में जो बच्चा आएगा, जो रेगुलरिटी से काम करेगा, उसका रिजल्ट कैसे नहीं आएगा? जो रोज आएगा और टेस्ट दे रहा है, और कैसे ट्रेस करें? तो किसी का पकड़ के, हाँ ला भाई मोबाइल लिया, अब तो कॉपी ला, ना ला, हाँ ला, ये कर वो कर, अब तो एक मिनट कहेंगे मोबाइल लिया, कितने टेस्ट डाल रखे हैं देखा पिछले पुराने एक महीने में, कितने टेस्ट तुमने दे रखे हैं, एक मिनट लगेगा चेक करने में। हाँ या ना? और जो रेगुलरिटी से क्लास ले रहा है, बुक में जाके प्रैक्टिस कर रहा है, ऐप पर टेस्ट दे रहा है, टेस्ट में नंबर पूरे आ रहे, तो फिर कहां दिक्कत? हाँ या ना? Yes, हम लोग बोलते थे 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे होमवर्क, 15 से 20 दिन में कॉपी चेक। कॉपी चेक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, कुछ लोग करवाते थे कुछ नहीं करवाते थे, कुछ की हम भी करते थे, कुछ ब्रांचेस से भी कई बार आती थी, लेकिन प्रैक्टिकली उतनी कॉपी चेक करना पॉसिबल कहां था? जब तक शुरुआत में था तब तक 100% रिजल्ट था, बीच में ये काम ढीला पड़ा तो वॉलंटियर हो गया, तो जो पढ़ने वाले हैं तो लग ही रहे थे नौकरी, लगातार लगे हैं। कल भी आज मैंने 2 स्टेटस लगाए थे उसके ऊपर, मेरा ITBP में सिलेक्शन हो गया सर, इसका दिल्ली पुलिस का पेपर भी और फिजिकल भी दोनों पास हो गए, तो और नौकरी कैसे लगते हैं? हाँ या ना? Yes, तुम लोग जब फिजिकल आता है ना तो उस टाइम पर जब भागते हो तब दिक्कत है। हर रोज सुबह थोड़ी देर तुम जो है टहलकदमी कराओ, थोड़ी सी वॉक कर लो, थोड़ी सी जॉगिंग वॉकिंग कर लो, तो फिर कहाँ दिक्कत है? फिजिकल आने के बाद भागते हो, सर मेरे पैरों में पेन रहता, मेरा ये रहता, वो रहता, अब ये हो रहा वो रहा है, तो तुम लोग इतने आलसी क्यों हो? सुबह थोड़ी सी देर अपना जो है वॉक वॉक करके आया करो, थोड़ा सा 150 मीटर भाग के भी देख ले। हाँ या ना? Yes, फिजिकल आए तो उस टाइम पर तैयार मिले। अब जो रोज की रोज प्रैक्टिस, अब हम लोगों को पता है कि भाई अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आ सकता है मामला, जुलाई तो चालू हो गया। Yes, अभी तो सीन है नहीं, जब डेट आएगी तो 10-5-20 दिन तो देंगे। हाँ या ना? तो मान के चले हमारे पास है जुलाई, 30-31 जुलाई के आसपास का मामला बनता है, तो वो आने के बाद जो सेक्शन होगा उसको हम लेंगे खींच के। पहले 10 चैप्टर हम पहली किताब के ऐप पर कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किए हैं तो जो ये टाइम है इसके दौरान हर रोज एक एक चैप्टर करके या एक एक वीडियो देख करके उसको दोहरा लो और उसके टेस्ट दे लो। मेरी बात समझ गए? Yes, अगर टाइम मिल गया तो हम सारे को कर लेंगे, और नहीं मिल गया तो जो ऐप के ऊपर पढ़ रहे थे इस बीच में, और अब क्लास में आके एनर्जी अप हो जाएगी, जो कल परसों मैंने टोका था और जो मैं आज देख रहा हूं ना, तो क्लास में डिफरेंस है तुम्हारे में, चेहरों में, और 10 दिन हो जाएंगे ना जिस दिन पढ़ते हुए तब देखना चेहरों में और फर्क आ जाएगा, फिर ऐसे बेचारे ऐसे चेहरे ना दिखे। पिछली बार जब वो 6-8 महीने लॉकडाउन चला था ना, और 6-8 महीने के बाद आए थे तो चेहरे ऐसे हो गए थे, स्किन उड़ गई थी चेहरों पर से, और 10-15 दिन बाद देख लेना तुम लोग अपने चेहरे, फिर बेचारा अपन सगाया बजा जैसे रहना ऐसे में।
तो फिर बेचारा अपन गायब हो जाता है। तुम लोगों को मैं कितनी बार ऐसे दिखता हूँ, बोले और मास्टर जी नमस्ते, बोले नमस्ते हमारी है तो चल रहे। पढ़ाऊं? Yes, सबको आ गया सवाल? Yes, पक्की बात है? Yes, बहुत खुशी की बात है। चार, एक, पांच, ढाई, ढाई, सब समझ गए? Yes, डेढ़ घटेगा चार में से, दो से गुणा कर दो ऊपर नीचे। आ गया सबको? Yes, किसको नहीं आया? आ गया सर। बड़ी खुशी की बात है। लो भाई, तो तुम्हारे चार चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हैं, उनकी प्रॉब्लम्स लेनी है। एक या दो दिन लगेगा। इन सभी सवालों को न्यू जर्नल में भी, ओल्ड जर्नल में भी, अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से सवाल करके और तब आंसर मिलाना कि हाँ तुम अपने आप सवाल कर सकते हो या नहीं। देखने से बात नहीं बनेगी। ऐप वालों के साथ क्या गड़बड़ हो सकती है? सवाल नहीं आ रहे, चल वीडियो देख ले, फिर आप पहन आ जाएगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने हाथों से सवाल निकाल के देखने पड़ेंगे। हाँ या ना? दूसरे को देख करके ड्राइविंग नहीं आती, आ जाएगी। अपने आप चला के देखनी पड़ेगी। हाँ या ना? Yes, कोई गड़बड़? No, बहुत बढ़िया। और एक्सीडेंट का क्या पता होता है? बहुत अच्छे ड्राइवर भी एक्सीडेंट कर देते हैं, नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने BMW ठोक रखी है आजकल। हैं? GT रोड पर जा रहे थे। अब हर एक आदमी अपनी गलती तो कभी बताता ही नहीं है, सो मैं क्यों बताऊं। आगे से जो जा रहा था तो एक आदमी पानी का टेम्पर जा रहा था, उसके आगे से क्रॉस करने लग गया, तो एकदम से उसमें भिड़ियर पीछे से ट्रक वाले ने, और दोनों आगे पीछे से दोनों से ठुकी। थोड़ा सा बच गया, और थोड़ा सा झटका ट्रक वाला देता और क्रैश हो जाए गाड़ी, तो इतनी कहानी होती है ड्राइविंग की। तो छुट्टी मैंने बोल दी, तुम्हें पता नहीं लगा। मैंने कहा था दो दिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, हैं? और छुट्टी बिना कैसे प्रैक्टिस करोगे तुम? इसलिए तो तुम लोगों को पता नहीं चलता पेपर में वो कह क्या रहा और उसका मतलब क्या है। इब ठीक है? ले भाई। नीरज गुप्ता, हैवी ड्राइवर हो सर जी। सिमरन कंबोज, सर हम वैक्सीन कहां लगवाएं? हर जगह पर, हर शहर में कुछ सामाजिक संस्थाएं बोर्ड बोर्ड फ्लैक्स लगा के बैठी हैं कि यहाँ को वैक्सीन लगवाएं, ये लगवाएं, वो लगवाएं, इस प्रकार से मामला चल रहा है। बहुत बढ़िया भाई।